नमस्ते, राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं पढ़ना साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बात करें, हम सेल साइकिल पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने ऑलरेडी जो है आपका माइटोसिस तक कवर कर लिया था। आज हम मियोसिस कवर करने वाले हैं। मियोसिस काफ़ी लेंदी है, तो मे बी इसमें दो लेक्चर्स हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, ठीक है, इसके पहले आपने क्या पढ़ा, माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो माइटोसिस था आपका, ये कैसा डिवीज़न था, इक्वेशनल डिवीज़न था, ठीक है। मान लीजिए 46 क्रोमोसोम था, तो जो बन रहे थे उसमें भी 46 था, इसमें भी 46 था। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जा रहा है, यानी कि ये एक आपका सेल है, दैट इज़ इसमें आपके 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है। दूसरे आपके जो नए सेल बन रहे हैं, इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, 23 एंड 23, ठीक है। ये इस तरीके से डिवाइड होंगे, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीज़न, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ एग्जाम्पल लेके हम एनिमल सेल की, ठीक है, किसकी, एनिमल सेल की, तो मियोसिस जो होता है हमेशा किसका फॉर्मेशन करता है, गैमीट का फॉर्मेशन करता है। आप सबको पता है फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। स्पर्म आपका इस तरीके से, ये आपका हो गया स्पर्म, ठीक है, ये आपका स्पर्म हो गया 23 इसके, और ये ओवा हो गया 23 इसके। ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं, ये आपका क्या बनता है, 46 बनता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। जबकि अदर ऑर्गेनिज्म में इसकी हम बात करें, तो ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है। अभी मैं इस मियोसिस के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, कई तरीके का होता है इसके बारे में। अगर हम इस वर्ड की बात करें, मियोसिस वर्ड की बात करें, तो जो मियोसिस वर्ड है, ठीक है, वो आपका कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब मियोन, ग्रीक वर्ड मियोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू मेक स्मॉल, छोटा बनाना। आपका ये लार्ज था, ठीक है, ये इससे क्या बनेगा, नंबर इसके क्या हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, ठीक है, नंबर इसके क्या हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर का, किसका, नंबर का, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर का डिवीज़न क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो क्रोमोसोम जो पूरे पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लॉयडी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, इनकी प्लॉयडी कम हो जाती है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा इनके हिस्ट्री के बारे में, किसने इसकी डिस्कवरी की, किसने टर्म दिया, तो जो मियोसिस टर्म है, ठीक है, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे, वो थे आपके फार्मर और मूरे 1905 में, ठीक है। और इसमें डिवीज़न की बात अगर हम करें, कि डिवीज़न के बारे में पहली बार किसने बताया था, तो वॉन बेंडिन ने बताया था 1887 में, स्ट्रासबर्गर ने बताया था 1888 में, और सटन ने बताया था 1900 में। और वहीं एक और साइंटिस्ट थे, विनी वाटर, इन्होंने कब बताया, 1900 में, इसके बारे में बताया कि इसमें क्या पाया जाता है, डिवीज़न पाया जाता है। आपको मैं बताते चलूँ कि मियोसिस जो होता है दो टाइप का होता है आपका, ठीक है। माइटोसिस में आपने पढ़ा था कि माइटोसिस किस, सिर्फ माइटोसिस था, उसमें पीमैट आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बारे में पढ़ा, देन आपका साइटोकाइनेसिस हो जा रहा था, सेल आपका डिवाइड हो जा रहा था, 46 46 दो बन जा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये दो स्टेजेस में होता है, पहला होता है आपका मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड से थोड़ा अलग होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से अलग होता है, ठीक है। 1911 में एक साइंटिस्ट आते हैं जो अमेरिका के एक जेनेटिक्स थे, ठीक है, जेनेटिक पे काम कर रहे थे, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया, में क्रॉस ओवर किया, किसमें, ड्रोसोफिला मेलानोब्लास्टर में, ठीक है, वहाँ पे मियोसिस ने क्या किया, क्रॉस ओवर किया, तो उन्होंने पहला बार उनको जेनेटिक एविडेंस मिला कि जीन जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं क्रोमोसोम में, ठीक है। क्रोमोसोम में जो जीन्स पाए जाते हैं, आपको पता है क्रोमोसोम, यहाँ पे जब मैं आपको अभी इसके बाद आपको जेनेटिक्स पढ़ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी जीन क्या होता है, लोकस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, तो जीन पाए जाते हैं, ये क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। मियोसिस जो होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जिन जिन एनिमल्स में सारे यूकैरियोट्स मोस्टली जो हैं, उनमें क्या होता है, यूकैरियोट्स में आपके कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में भी आते हैं, जैसे आपके
पैरामीसियम वगैरह, तो उनमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ जहाँ भी होता है, सॉरी वहाँ पे क्या होता है ये बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है। मियोसिस जो है आपका आर्किया और बैक्टीरिया में नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि बाइनरी फिजन वगैरह के द्वारा। जबकि बात करें लोअर प्लांट में, जिसमें कि बहुत सारे प्रोटिस्ट आते हैं, इनमें मियोसिस किस तरीके के सेल का फॉर्मेशन करता है, हैप्लॉयड सेल, ठीक है, क्योंकि इनका इनमें जो डिवाइडेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें कैसा डिवीजन होता है, हैप्लॉयड यानी कि एन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज हैव अ कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, कोई एक सेल है, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसमें जो क्रोमोजोम नंबर है वो कांस्टेंट है, मतलब एक निर्धारित है, ठीक है। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं और जायगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर गैमेट जो है उसके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट होता है जनरेशन टू जनरेशन, वो जनरेशन टू जनरेशन, मान लीजिए एक जनरेशन में 46 है तो इसमें भी 46, इस तरीके से ये क्या होता है पास होता रहता है। और ये किस वजह से होता है, ये जो ये रीज़न है इसके पास होने का जनरेशन टू जनरेशन, जैसे हम ही लोगों में हर ह्यूमन स्पीसीज में क्या होते हैं 46 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये डिवीज़न कैसा होता है, रिडक्शनल होता है, इसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं मेंटेन रहते हैं हाफ होकर, ठीक है। अब मियोसिस के टाइप की बात करते हैं, ठीक है। जो मियोसिस है उसके कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। अब मियोसिस जहाँ पे होता है उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, मियोसाइट्स कहते हैं। अगर एनिमल्स में हम बात करें मियोसाइट्स की, तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है आपका स्पर्मेटोसाइट्स और होता है ओसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट यानी कि स्पर्म से रिलेटेड और ओसाइट फीमेल के ओवम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं। अगर हायर प्लांट की बात करें तो मियोसाइट जो होता है दो तरीके से डिफरेंशिएटेड होता है, जैसे इसमें आपका माइक्रोस्पोरोसाइट्स और मेगास्पोरोसाइट्स आते हैं। ये डिपेंड करता है इनके किस पे, साइज पे, ठीक है। माइक्रोस्पोरोपाइट स्पोरोसाइट्स एंड मेगास्पोरोसाइट, अगर इनके डिपेंड करें स्टेज पे, तो ये बाद में मेनली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका गैमेटिक, दूसरा होता है जाइगोटिक एंड स्पोरिक मियोसिस। थोड़ा सा इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो आपका गैमेटिक मियोसिस होता है, अगर हम गैमेटिक मियोसिस की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ये क्या होता है, इसी तरीके का मियोसिस होता है। इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसी वजह से इसे हम जेनेटिक मियोसिस भी कहते हैं, सॉरी गैमेटिक मियोसिस कहते हैं, जेनेटिक लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे दो गैमेट का फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, एन और एन मिलके क्या बना लेते हैं 2N, जिसे हम क्या कहते हैं डिप्लॉयड कहते हैं, ठीक है। इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। अब आप सब ने पढ़ा होगा एनिमल्स सॉरी प्लांट में जनरली उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे लिख रहा है कि लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक है, कैसी है, हैप्लॉन्टिक, ठीक है। इसका मतलब उस लाइफ साइकिल में जो नंबर है एन का वो ज़्यादा होगा, ठीक है। उस लाइफ साइकिल ये साइकिल चल रही है तो यहाँ पे एन का जो नंबर है वो ज़्यादा पाया जाएगा। अगर वही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता है तो वहाँ पे 2N का नंबर ज़्यादा पाया जाएगा। और वहीं अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात की जाए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे इक्वल होते हैं एन एंड 2N क्या होते हैं इक्वल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे गैमेटिक मियोसिस कैसा होता है, वो आपका डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। अगर जाइगोटिक मियोसिस की बात करें तो कुछ लोअर प्लांट्स, ठीक है, हायर प्लांट्स नहीं, लोअर प्लांट्स, प्लांट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हायर प्लांट्स लोअर प्लांट्स, उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट क्या होता है, मियोसिस करता है और रिजल्ट करता है हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, इसे जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। और ये इसमें लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक यानी कि एन फेज ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम स्पोरिक मियोसिस की बात करें तो प्लांट्स में मियोसिस जनरली कैसा होता है, स्पोरोजेनेसिस के टाइम पे होता है, जब फॉर्मेशन होता है स्पोर का, जिसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर आते हैं। इसी वजह से इसे स्पोरिक मियोसिस या इंटरमीडिएट मियोसिस कहते हैं। स्पोर जो है वो नए गैमेटोफिटिक फेज को प्रोड्यूस करते हैं लाइफ साइकिल में, ठीक है। गैमेट जो फॉर्म्ड होते हैं उन्हें गैमेटोफाइट कहते हैं। इसमें दो डिस्टिंक्ट मल्टीसेलुलर फेज होते हैं, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, दोनों तरीके के होते हैं, इस वजह से इन्हें डिप्लो हैप्लॉन्टिक कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेजेस मियोसिस के, ठीक है।
तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए। मियोसिस जो होता है इसे वन वे प्रोसेस कहते हैं। ये सेल में उतनी तरीके से एंगेज नहीं होता है जिस तरीके से माइटोसिस होता है, ठीक है। इनमें प्रिपरेटरी स्टेप जो होते हैं यानी कि बनाने वाले जो होते हैं वो मियोसिस के सेम होते हैं, पैटर्न मतलब पैटर्न में सेम होते हैं जैसे कि इंटरफेज में और माइटोटिक में होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मियोसिस में जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है वो जरूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जो मियोसिस है, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जनरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है और ये फॉर्मेशन करता है किसका, गैमेट्स का। हाफ क्रोमोसोम नंबर रहता है, मान लीजिए 46 है तो उसका हाफ हाफ बनाएगा 23 एंड 23, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। इसी वजह से हैप्लॉयड स्पर्म मेड होते हैं टेस्टिस में और हैप्लॉयड एग बनते हैं ओवरी में, ठीक है। इस वजह से आपके 23 जो कभी भी आप देखते हैं 23 मेल का आता है 23 फीमेल, तो स्पर्म 23 बनता है और ओवरी भी 23 बनता है, ठीक है। अगर हम मियोसिस की बात करें तो इसमें दो डिवीज़न होते हैं एक सेल के, ठीक है। दो डिवीज़न को जो टर्म किया जाता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के नाम से, और हर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में आपके पीमैट फेज पाए जाते हैं यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट जो होता है ये क्या होता है, ये आपके जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है इस तरीके से पाया जाता है। दो, एक सिस्टर क्रोमेटिड और एक ये क्रोमेटिड, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इनका क्या करता है, ये इनको होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम को बनाता है तो इनको सेपरेट कर देता है, मतलब जब डिवीजन होगा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट में, ठीक है। हैप्लॉयड कंटेंट जो है क्रोमोसोम का ईच रिजल्टिंग डॉटर सेल, और हर डॉटर सेल में ये अलग अलग चल जाएंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, देयर फोर रिड्यूसेस प्लॉयडी ओरिजिनली सेल बाय फैक्टर 2, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए ये दो था, ठीक है, तो सेल बनेगा तो एक अलग चला जाएगा, एक अलग चला जाएगा, यहाँ पे यही बात की जा रही है। अब थोड़ा सा मियोसिस फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, होमोलॉगस पेयर डिप्लॉयड सेल सेपरेट हो जाते हैं और दो हैप्लॉयड सेल बनते हैं, ठीक है। 2n से क्या बन जाता है, n एंड n बनता है, ठीक है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। लाइक माइटोसिस इट इज स्टडीड अंडर 4 स्टेज, मियोसिस की तरह ही, माइटोसिस की तरह ही इसमें भी 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, पीमैट याद रखिएगा, ठीक है, पीमैट। तो अभी कभी आप इसके सीक्वेंसेस को भूलेंगे नहीं क्योंकि इसी सीक्वेंस में होता है, आप उल्टा और सीधा नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। देन आपका आता है प्रोफेज। प्रोफेज जो है, आप मियोसिस का प्रोफेज की अगर की बात करेंगे तो ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज है, ठीक है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज है। इसमें 5 सब फेजेस पाए जाते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। यहाँ पे रहेगा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन रहेगा, ठीक है, डिप्लोटीन, स्पेलिंग अलग लिखी हुई है, यहाँ पर डिप्लोटीन रहेगा, ठीक है। आप इसको एक ट्रिक मैं बता देती हूँ, आप सबने पापड़ खाया होगा, उसकी एक वैरायटी आती है लिज्जत, ठीक है, लिज्जत पापड़ खाए होंगे आप सबने, ये मैंने अपना ट्रिक बनाया था, तो इससे आप याद कर सकते हैं। एल से आपका हो जाएगा लेप्टोटीन, इसके सीरीज को याद करने के लिए, ठीक है। जेड से आपका हो जाएगा जाइगोटीन, ठीक है, जाइगोटीन। उसके बाद से आपका पी से हो जाएगा पैकेटीन, ठीक है, और यहाँ पे डी, डबल डी कर लीजिएगा, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे एल से क्या हो जाएगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन आप जेड से याद रख लेंगे, फिर आपका पैकेटीन हो जाएगा, देन डबल डी से आप याद रख लेंगे क्या, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। पहले सारे तीन तीन एक साथ आएंगे, मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन। आप अगर डी डी में कन्फ्यूज होंगे तो आपको याद रखना है कि पहले तीन तीन जो है, लास्ट में तीन देखें आप, तो सारे में क्या होंगे, वो एक साथ आएंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, तो पैकेटीन के बाद आपका डिप्लोटीन आएगा, ठीक है, डी डी में कन्फ्यूज मत होइएगा, डिप्लोटीन देन आपका डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये स्टेज इसके आप याद रखिएगा कि ये इधर उधर ना हो, ये इसी तरीके से पा जाते हैं, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, उसके बाद से पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे लेप्टोटीन के बारे में। लेप्टोटीन को हम लेप्टोनीमा के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं लॉन्ग स्ट्रैंड में, न्यूक्लियस के पास, ठीक है, जो कि अगर देखा जाए लूजली क्या होते हैं, इंटरवोवेन होते हैं, लूजली होंगे इस तरीके से, तो वो क्या होंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, जबकि दो सिस्टर क्रोमेटिड आर स्टिल सो टाइटली बाउंड दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। और इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी कि ये आपका एक और ये दोनों क्या होंगे, डिस्टिंग्विशेबल होंगे, आप इनको देख पाएंगे, ठीक है।
अगर लेप्टोटीन की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम में भी रेगुलरली अरेंज होते हैं या पोलराइज होते हैं टुवर्ड्स सेंट्रियल फॉर्मिंग बकेट, एक तरीके से बकेट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे आपकी बाल्टी पा जाती है उस तरीके से बकेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर स्टडी किया जाए इसको, तो देखा जाता है कि बकेट फॉर्मेशन जो है रिजल्ट कब कब बनता है, जब एक ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम अटैच होता होते हैं क्लोज टुगेदर ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब जो क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड क्या होता है, क्लोजली अटैच हो जाता है। यहाँ पे देयर आर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल अंडरगोइंग मियोसिस, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो जाते हैं मियोसिस के अंदर, एक सेट कंट्रीब्यूट करता है मेल पेरेंट का और दूसरा रहता है आपका फीमेल पेरेंट का, ठीक है, एन एंड एन 23 23, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज दो सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं सेम साइज के, फॉर्म और स्ट्रक्चर के, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, होमोलॉगस। होमोलॉगस का मतलब क्या, होमो का मतलब होता है सेम, सेम साइज फॉर्म स्ट्रक्चर सब इनका सेम रहेगा, एक इनमें से पैटर्नल रहेगा यानी कि फादर साइड के, और दूसरा मैटर्नल मदर साइड से, पैटर्नल मतलब पेरेंट्स को में आपके पैटर्नल मैटर्नल होता है, तो पैटर्नल का मतलब होता है फादर साइड से, मैटर्नल का मतलब होता है मदर साइड से क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है, किसी भी एनिमल में। ये आप लेप्टोटीन में कुछ इस तरीके से, या तो आप देख रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड इस तरीके से अलग अलग पा जाना है, ये ग्रीन वाला अगर ऑब्जर्व करें, रेड वाला, तो इसमें क्या है आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है। देन हम अगर बात करें जाइगोटीन की, ठीक है, तो जाइगोटीन को जाइगोनीमा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्रोमोसोम शॉर्टर और थिकर हो जाते हैं, ठीक है, छोटे हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है साइड बाय साइड पेयर में पाए जाने लगते हैं, ठीक है। जाइगोन का मतलब होता है यॉक और टीन का मतलब होता है थ्रेड। यॉक में, यॉक आप सबने देखा होगा एग में, ठीक है, एग में यॉक पाए जाते हैं इस तरीके से, तो उसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है उसे हम सिनेप्सिस या सिंडेसिस कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिनेप्सिस का फॉर्मेशन या सिंडेसिस का फॉर्मेशन आपके मियोसिस के किस स्टेज में होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोफेज के किस में, आपके प्रोफेज फर्स्ट के किस में, किस स्टेज में, जाइगोटीन स्टेज में होता है। इसमें पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, बाइवेलेंट, जिसकी वजह से नहीं क्या कहते हैं, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। आप देखिएगा इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, तो बाइवेलेंट इनको कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक आपको पता चल गया। क्रोमेटिड्स आर स्टिल नॉट विजिबल, इसमें क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड समझ रहे हैं आप, एक एक जो क्रोमोसोम में एक एक अलग अलग पाया जाता है क्रोमेटिड्स, वो विजिबल नहीं होते हैं। फाइब्रिलस समॉट लैडर लाइक ऑर्गेनेल कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डेवलप्स बिटवीन सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक लैडर लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर, लैडर मतलब समझ रहे हैं आप, जिससे आप चढ़ते हैं सीढ़ी वाले तरीके से, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखने लगता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में सिनेप्स किए रहते हैं, अटैच होते हैं, वो इस तरीके से दिखने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात बोल रही है, इट इज़ थॉट टू बी स्टेबलाइज द पेयर कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम टिल क्रॉसिंग ओवर इज कम्प्लीटेड, ऐसा माना जाता है कि जब इसको स्टेबलाइज करने के लिए रखा जाता है कि जब तक कि क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे के साथ क्रॉस, समझ रहे हैं आप, ये क्रॉसिंग ओवर, ये दो क्रोमोसोम है, इसका एक सिस्टर क्रोमेटिड और दूसरा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। पेयरिंग ऑफ होमो टू होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन विद देयर करस्पॉन्डिंग एंड्स कम टुगेदर ऑन द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंड होते हैं एक दूसरे के पास आ जाते हैं इस तरीके से, ये क्रॉस शो करते हैं, ठीक है। पेयरिंग में अकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज, ये पेयरिंग कई तरीके से होता है, जैसे कि प्रो टर्मिनल पेयरिंग, यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट एट द एंड एंड प्रोसीड टुवर्ड द मिडिल, एंड से स्टार्ट होता है और मिडिल तक जाता है, या प्रोसेंट्रिक हो सकता है, बिगिन करता है सेंट्रोमियर से और एंड तक जाता है, या रैंडम इंटरमीडिएट पेयरिंग हो सकती है, मेनी पॉइंट कहीं भी कहीं से भी पेयरिंग हो सकती है। अगर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये अटैच होता है आपके दोनों एंड से थ्रू लेटरल एलिमेंट ऑफ द इनर सरफेस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, सेंट्रल एलिमेंट जो होते हैं ये ना अटैच नहीं होते हैं डायरेक्टली, ठीक है, ये बात इसमें कही जा रही है। इसमें कुछ लूप्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, तो आप अगर आपसे पूछे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिनेप्सिस या सिंडेसिस का फॉर्मेशन और बाइवेलेंट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए आपके कहाँ पे होता है, जाइगोटीन में होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लिज्जत पापड़ आप भूलेंगे नहीं आई थिंक। पैकेटीन की अगर हम बात करें तो पैकेटीन क्या होता है आपका, ठीक है, इसमें जाइगोटीन इज फॉलोड बाय पैकेटीन या पैरेन्काइमा, ठीक है,
पैकिनीमा, सॉरी पैरेन्काइमा, मैंने टिश्यू का नाम ले लिया। यहाँ पर जाइगोटीन जो होता है वो किसके द्वारा फॉलोड होता है, पैकिटीन या पैरन, किसके द्वारा, पैकिनीमा के द्वारा। इसको इट इज़ सेड टू बी बिगिन वेन सिनेप्सिस इज कम्प्लीटेड। यहाँ पे क्या होता है, सिनेप्सिस आपका कम्प्लीट हो जाता है। इट लास्ट फ्रॉम द कम्प्लीशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऑन द स्टेज वेयर द ब्रेक डाउन बिगिंस। यहाँ पे इसका क्या होता है, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका सिनेप्सिस और उसका ब्रेक डाउन होगा। सिनेप्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो शॉर्ट होने लगते हैं और थिक होने लगते हैं। यहाँ पे पैकस का मतलब है थिक और थ्रेड, थिक थ्रेड बनने लगता है, ठीक है। जो इस तरीके से पतले पतले थ्रेड थे, अब वो क्या होंगे, थिक होने लगेंगे। क्या होंगे, थिक होने लगेंगे। क्रोमेटिड ऑफ ईच सिनेप्ट क्रोमोसोम स्लाइटली सेपरेट एंड बिकम विजिबल। अब यहाँ पे क्या होगा, सिनेप्ट क्रोमोसोम विजिबल होगा, स्लाइटली धीरे धीरे दिखने लगेगा, जैसा कि आपके इसके पहले स्टेज में जाइगोटीन में ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे दो विजिबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम दिखेंगे, जिसे कि हम क्या कहते हैं, डायार्ड कहते हैं, ठीक है, डायार्ड, डायार्ड बोलेंगे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ फोर होमोलोगस क्रोमोसोम, दो डायार्ड मिलके क्या बनाएंगे, आपके दो होमोलोगस क्रोमोसोम मिलके दो डायार्ड मिलेंगे, ठीक है, इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा, ठीक है। दोज ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट एंड टर्न नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब ये आपका एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, ये पहला क्रोमेटिड, दूसरा, पहला दूसरा, और ये आपका हो गया पहला, ये इससे फ्यूज किया दूसरा, ठीक है। तो इसका जो ये है, सॉरी ये एक नहीं रहेगा, ये दूसरा और तीसरा, ये एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, क्रोमोसोम नंबर सेकंड, इसका ये दूसरा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, और ये क्या कर रहे हैं आपस में, तीसरा, पहले क्रोमोसोम का दूसरा और दूसरे क्रोमोसोम का तीसरा स्ट्रैंड एक दूसरे से फ्यूज हो रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इस तरीके का फ्यूजन होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन पैकेटीन में होता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है, तो आपके पैकेटीन स्टेज में होता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, ठीक है। क्या हो रहा है, एक दूसरे से ये चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकेज या रीयूनियन होता है क्रोमेटिड सेगमेंट का, या तो ब्रेक करेगा या रीयूनियन। ब्रेकेज को निकिंग कहते हैं, निक, जब आगे रेप्लिकेशन आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ निकिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे, जो किसके द्वारा होता है, एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको कि मॉलिकुलर सीजर के नाम से भी जाने जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मॉलिकुलर सीजर, वो क्या करता है, निक या कट करने का काम करता है। निकिंग का मतलब होता है कट करना, या रीयूनियन जिसको कि हम एनीलिंग भी कहते हैं, किसी चीज़ को फिर से जोड़ना, ये किसके द्वारा होता है, लाइगेज के द्वारा होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे जब आप रेप्लिकेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, रेप्लिकेशन या रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। डीएनए टेक्नोलॉजी आप सबने अपने फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी में पढ़ा होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो वहाँ आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा, एंजाइम एंडोन्यूक्लियस या एनीलिंग के बारे में, लाइगेज के बारे में, ठीक है। अब ये प्रोसेस होती है, इसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है, कॉमन इवेंट, नॉर्मली ईच टेट्राड, ठीक है, टेट्राड यानी कि ये इस तरीके से डायार्ड और ये, जब ये मिल जाएंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा, टेट्राड। टेट्राड का फॉर्मेशन होता है लीस्ट वन रिकॉम्बिनेशन, समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं, इस तरीके से जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो इसका ये वाला पार्ट यहाँ आ गया और इसका ऑरेंज वाला पार्ट क्या हो गया, यहाँ आ गया, इस तरीके से, ठीक है। देन आता है आपका डिप्लोटीन, अगर डिप्लोटीन की हम बात करें तो इसे डिप्लोनीमा भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके सिनेप्टिक फोर्सेज होते हैं, कीपिंग द होमोलोगस क्रोमोसोम टुगेदर एट द एंड, इनको साथ में रखते हैं जो क्रोमोसोम एंड पे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाते हैं सेपरेट होना, ठीक है। यहाँ पे डबलिंग होने लगती है थ्रेड की, डबलिंग होने लगती है थ्रेड की, इसको क्या कहते हैं, डिसजंक्शन, सेपरेट होना, अलग होना, डिसजंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इट मेक्स क्रोमेटिड मोर डिस्टिंक्ट एंड टेट्राड वेरी क्लियर। अब यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स होंगे या टेट्राड होंगे वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखने लगेंगे। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम डज नॉट टेक प्लेस एट द पॉइंट कॉल्ड कियाजमाटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, एट द पॉइंट ऑफ कियाजमाटा, कियाजमाटा का मतलब होता है जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसके फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, कियाजमाटा। कियाजमाटा मेक्स द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्ड ड्यूरिंग पैचिटीन। कियाजमाटा एक साइट है, ठीक है, जिसको क्रॉस पीस भी कहते हैं। कियाज्मा का मतलब होता है क्रॉस पीस, सिंगुलर में इसको कियाज्मा या ग्रीक में इसको कियाज्मा कहते हैं, जिसका मतलब होता है क्रॉस पीस, जहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है। पैकेटीन में आपने क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ा था, तो जहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, कियाज्माटा। ये क्या करते हैं, ये होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम को एक साथ, ठीक है। अगर बात करें नंबर और पोजीशन जो होते हैं कियाज्माटा का, वेरी करते हैं लेंथ ऑफ क्रोमोसोम में स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है।
कियाजमाटा आर फाउंड इन द मियोसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सारे मोस्टली यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जबकि एक कियाजमेटिक मियोसिस जहाँ पे मियोसिस बिना कियाजमा के होता है, ये भी रिपोर्ट किया गया कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मेल्स ऑफ हायर डिप्टेरा जिसमें ड्रोसोफिला आता है, पैनोरपा स्कॉर्पियन फ्लाई आती है, कई सारे मैंटीड रॉचेस आते हैं, सम ग्रॉस ऊपर कुछ स्कॉर्पियन, यहाँ पे क्या होता है कियाजमा का फॉर्मेशन ही नहीं होता है मियोसिस में, ठीक है। एक कियाजमा फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड टर्मिनल कियाजमा, अगर क्रोमोसोम के एंड पे, आप सबको पता है इसे टीलोमेयर कहते हैं, टर्मिनल पे हो रहा है तो उसे टर्मिकल नहीं, यहाँ टर्मिनल होगा, ठीक है, टर्मिनल कियाजमाटा कहते हैं। कियाजमाटा फॉर्म अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम तो उसे इंटरस्टीशियल कियाजमा कहते हैं, अगर पूरे लेंथ में कियाजमा का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर केवल इस तरीके से एंड एंड क्रॉस कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे टर्मिनल, और अगर पूरा इस तरीके से क्रॉस कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे इंटरस्टीशियल, ठीक है। ड्यूरिंग डिप्लोरेटिव स्टेज की बात करें तो कियाजमाटा जो होता है बिगिन मतलब स्टार्ट कर देता है डिस्प्लेस होना, ठीक है, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, अभी डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। टर्मिनल कियाजमा जो होता है स्प्लिस ऑफ द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, अगर टर्मिनल कियाजमा की बात करें तो उसके एंड क्या होते हैं एक दूसरे से स्प्लिट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एंड इट्स पोजिशन इज टेकन अप बाय इंटरस्टीशियल कियाजमा, और इसका जो प्लेस है वो इंटरस्टीशियल कियाजमा ले लेगा, जिसे कि अब टर्मिनल कियाजमा के नाम से जानेंगे, और इस प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डिप्लोटी इन प्रोग्रेस जो होता है नंबर ऑफ इंटरस्टीशियल कियाजमा जो होते हैं कियाजमाटा बिकम्स लेसर इन नंबर, नंबर में क्या होते हैं कम हो जाते हैं। टर्मिनलाइजेशन जो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या डिसपोलराइजेशन की वजह से होता है क्रोमोसोम में, ठीक है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से या डिपोलराइजेशन की वजह से होता है, ठीक है। बात करें अगर हम इसके स्टेजेस की तो आप इसे देख सकते हैं इस तरीके से कियाजमा का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बाइवेलेंट या टेट्राड इसको कहते हैं, बाइवेलेंट मतलब एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम मिलके क्या बने चार, इसी वजह से क्या कह रहे हैं टेट्राड या बाइवेलेंट, यानी कि एक और दो मिलके क्या कह रहे हैं बाइवेलेंट, और ये आपका डिप्लोटीन स्टेज है। अगर बात करें डाइकाइनेसिस की तो डाइकाइनेसिस क्या होता है नॉट शार्पली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डिप्लोस्टीन, इसको आप डिप्लोटीन से बहुत ज़्यादा शार्पली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। बाइवेलेंट क्या होते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं न्यूक्लियस में, और क्या करते हैं माइग्रेट करते हैं इस तरीके से, आपके बाइवेलेंट पेरीफेरी पे माइग्रेट करेंगे, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है यहाँ पे, न्यूक्लियोलस डीजनरेट हो जाता है, और यहाँ पे स्पिंडल डेवलप होना जाता है विदाउट या विथ सेंट्रियोल के साथ। अब इसके आगे के प्रोसेस प्रोमेटाफेज मेटाफेज ये सब और मियोसिस सेकंड कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही, होप ये क्लास आपको समझ में आएगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, थैंक यू एवरीवन।